नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS News। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, 1 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। ये ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। मुरादाबाद मंडल को ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है, जिसमें मुरादाबाद वासियों को बड़ी सौगात मिली है। बताते चले, वंदे भारत ट्रेन का 31 अगस्त को पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। दरअसल मेरठ सिटी और लखनऊ के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा और मेरठ सिटी तथा लखनऊ के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। इस तरह आर्थिक विकास में वृद्धि और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मुरादाबाद बरेली के माध्यम से लखनऊ तक तेज गति से पहुंचने और उसी दिन रात को मेरठ सिटी वापस लौटने की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुरादाबाद स्टेशन पर आयोजित समारोह में विनोद अग्रवाल महापौर, सांसद रुचि वीरा, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, डॉक्टर शेफाली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, डीआरएम राजकुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। बस बस बहुत देर हो, चुड़िया उड़ गई इतनी देर से। कितने बच्चे? मेरा नाम सुधा शर्मा है, मैं केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद से हूँ। मेरे साथ मेरे विद्यालय के 60 बच्चे हैं और हम 5 जो हैं वो उनके साथ टीचर्स हैं। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कैसा महसूस है, क्या फील कर रहे हैं आप? बच्चे भी आपके साथ हैं? बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं वंदे भारत ट्रेन में। कल से ही बच्चों को, जब से पता चला है, तब से बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है ट्रेन में बैठ के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की उन्नति विकास के लिए, ताकि जितने भी नागरिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधाएँ मिलें। इसके लिए लगातार वो कुछ ना कुछ प्रयास करते ही जा रहे हैं और जिसमें से एक ही हमारे सामने वंदे भारत जो आपके सामने है। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहूँगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज देश की में 3 वंदे भारत ट्रेन्स का शुभारंभ हुआ है। उनमें से एक वंदे भारत ट्रेन मुरादाबाद होकर लखनऊ पहुंचेगी, जिसका शुभारंभ मेरठ से हुआ है। मेरठ से चलकर लखनऊ तक पहुंचेगी और यह एक और संयोग है कि अब मुरादाबाद यह उत्तर रेलवे का एक बहुत बड़ा रेलवे का मंडल केंद्र है। इस मुरादाबाद से 3 वंदे भारत ट्रेन्स गुजरेंगी। एक हरिद्वार से लखनऊ पहले से चल रही है, दूसरी आनंद विहार से लखनऊ, वो दूसरी ट्रेन है, और तीसरी आज है जो कुछ ही क्षणों में रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद में पहुंचने वाली है। यह जनता के लिए बिन मांगे मुराद को पूरा किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा। मैं समझता हूं कि मुरादाबाद मंडल के लिए और मेरठ मंडल, जो भी मेरठ से लेकर लखनऊ तक जो भी यात्रा करेंगे, जाएंगे, आएंगे, इससे और अच्छी ट्रेन कोई इस रूट पर हो नहीं सकती। और इस अवसर पर सभी दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बड़ी सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मुरादाबाद की माननीय सांसद बहन रुचि वीरा जी उपस्थित हैं,
नगर विधायक रितेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, महापौर जी आदरणीय विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, MLC आदरणीय गोपाल अंजान जी उपस्थित हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, यहाँ पर आदरणीय DRM साहब और रेलवे के सभी अधिकारी वृंद उपस्थित हैं। इस अवसर पर रेलवे की जितनी भी यूनियंस हैं, चाहे वो नरमू है चाहे वो उर्मू है, उसके अतिरिक्त जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी इस खुशी के अवसर पर उपस्थित होकर यहाँ साक्षी बनना चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन अब निकल रही है और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हम सभी लोग भी हरी झंडी दिखा करके यहाँ से ट्रेन को रवाना करेंगे। DRM साहब और आपकी पूरी टीम, आप रेल विभाग को, इस मुरादाबाद मंडल को जिस ऊंचाई तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, और अभी मेरी चर्चा हुई कि यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा, उसकी DPR तैयार हो रही है, DPR स्वीकृत हो जाएगी और भविष्य में आप देखेंगे 4-5 वर्षों में ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आपके सामने मौजूद होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे मातरम ट्रेन चलाई है, मैं मतलब खुशी जाहिर करना चाहूँगी कि लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को लखनऊ जाने में सहूलियत मिलेगी और मतलब इसकी आवश्यकता भी थी। और एक बात और कहना चाहूँगी और मांग करना चाहूँगी कि मुरादाबाद से कम मुंबई के लिए पिछले कई सालों से मांग चल रही है कि मुरादाबाद के बहुत से लोग जो हैं वह काम करते हैं मुंबई के अंदर, और उनको 3-3 महीने पहले अपना टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ता है, अगर इमरजेंसी में जाना हो तो बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं मांग करना चाहूँगी और इस आवाज़ को सदन में भी उठाने का काम करूँगी कि यहाँ से मुंबई के लिए मुरादाबाद से, और मुरादाबाद से चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि वहाँ इलाज के सिलसिले में काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं चंडीगढ़, तो एक ट्रेन वहाँ के लिए भी चलनी चाहिए मुरादाबाद से चंडीगढ़ के लिए भी। हाँ नहीं, मुझे मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले 5 साल से बार बार प्रपोजल जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और मैं मांग भी करती हूँ और सदन में भी रखने का काम करूँगी कि मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन ज़रूर शुरू की जाए।